एक तरफ ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी रोड पर है। अरे मैं कहना चाहती हूँ ऐसे प्रधानमंत्री से, ऐसे मुख्यमंत्री से, ढोंग रचना बंद कर दो ढोंगी। आप क्या कहोगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? आज यूपी की बेटियां यहाँ कितने दिन से बच्चों को लेकर मर रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को। यहाँ बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, नहाने की व्यवस्था नहीं है, हम रोड पे बैठे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं। आज चार चार दिन हो गया और आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप कहते हो बेटियों आप पर्दा छोड़ो और देश में आके बैठो, हम दर्शन करना चाहते हैं, ये आप कह रहे हो, हम नहीं। प्रधानमंत्री जी प्रत्यक्षदर्शी है, आज देश का इतिहास आप बदल रहे हो। आज भारत देश में जब से देश स्वतंत्र हुआ था पहले देश प्रधानमंत्री आप बने हो, जिनके कार्यकाल में चौथा दिन मेरे आंदोलन का चल रहा है, लेकिन आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रधानमंत्री जी अभी भी समय है, होश में आओ और हमारी बात को समझो, हमारा सहायक अध्यापक पद वापस करो। 90% महिलाएं हमारे यहाँ है, 10% पुरुष भाई हमारे यहाँ है, उनकी इज्जत और मान सम्मान आपके हाथ में, बचाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको सफाई देते देते सदियां गुजर जाएं और आने वाले समय में सफाई देने के काबिल भी ना बचो आप। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद।